अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज जो मैं मास्क आपके लिए लेकर आई हूँ उससे आपकी स्किन पर वाइटनिंग आएगी, लाइटनिंग आएगी, आपका कलर फेयर होगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। वीक में आपको टू टाइम्स यूज़ करना है और आपको अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना है क्योंकि आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है और हाइड्रेशन के लिए हमें अपना वाटर इंटेक अच्छा रखना होगा। और वन डे आपको 3 लीटर वाटर इंटेक करना ही करना है ताकि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहे। तो चलिए देखते हैं कि इस फेस मास्क के लिए हमें किस किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। लेट्स गो। देखिए, फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में लैक्टिक एसिड है, वो आपकी स्किन को स्मूथ करता है, लाइटन करता है और आपको एक न्यू स्किन फॉर्मेशन देता है, बूस्ट करता है। तो ये 2 टीस्पून मैं अभी इसमें ले लूँगी, बाकी कंप्लीट ये 4 टीस्पून है। सेकेंड है हमारा हनी। हनी हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन टैन को रिमूव करता है, नरिश करता है स्किन को, डेड सेल्स जो होते हैं उसको भी ख़त्म करता है और एक्ने से फाइट करता है। थर्ड है हमारा लेमन जूस विटामिन सी, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेमन जूस हमारे स्किन के डेड सेल्स को ख़त्म करता है और हमारी आने वाली प्रीमैच्योर एजिंग को रोकने में हेल्प करता है। पीएच लेवल को हमारे मेंटेन रखता है और हमारे फेस से एक्सेस ऑयल को भी ये ख़त्म करता है। बाकी का जो मेरा मिल्क पाउडर है वो इसमें मैं ऐड कर लूँगी ताकि ये अच्छे से स्मूथ पेस्ट तैयार हो। और गाइस, ये पूरा हमारा अच्छा सा मास्क रेडी है, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। फेस मैंने अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया है। नाउ आई एम अप्लाइंग दिस मास्क ऑन माय फेस। इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे गाइस। मेरा ब्रश जो है थोड़ा इधर उधर हो गया है, मैं स्पून की हेल्प से इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पर एंड आफ्टर वॉश आपको मैं रिजल्ट दिखाऊँगी। गाइस, ये वीक में आपको 2 टाइम्स यूज़ करना है। हाय गाइस, 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये मेरा ड्राई हो चुका है। अब हम देखते हैं वॉश के बाद क्या रिजल्ट है। ये देखिए, वॉश के बाद फेस पर कुछ इस तरह से रिजल्ट है मेरे। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि वीडियो लॉन्ग ना रहे और अब मेरे फेस पर आप एक ग्लो देख सकते हैं। मेरा फेस ग्लो कर रहा है, देखिए ये है ग्लो। और आप भी इसको यूज़ करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।